हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम ऋषभ और मैं हमारे वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपका भाई आया है आज तियान तुक, एक बहुत ही बढ़िया चिकन रेस्टोरेंट है जहाँ पे चिकन मिलता है कॉम्बो में, यानी जितने भी टाइप का आप चिकन खाना चाहते हैं, फ्राइड हो गया, ग्रिल हो गया, बॉइल्ड हो गया, तो फिर सारे चिकन आपको यहाँ मिलेंगे कॉम्बो के अंदर। सेपरेट में मिलते हैं, कॉम्बो में मिलते हैं, लेकिन यहाँ ये रेस्टोरेंट फेमस है कॉम्बो के लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको चिकन कॉम्बो खाना है, मतलब एक बहुत बड़ी थाली आएगी, जैसे कि वेज थाली होती है, नॉन वेज थाली होती है इंडिया में, ऐसे यहाँ पे चिकन थाली है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चिकन है, वेजिटेबल है, और जो है अलग अलग तरह की स्नैक्स होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थाली आने वाली है। ये इनका रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं ही बैठा हूँ, एक कपल और बैठा है। तो बढ़िया रेस्टोरेंट है, क्योंकि वियतनामी जो लंच का टाइम होता है ना, वो होता है 12 से 2 के बीच में। तो 12 बजे तक जो है सब लोग लंच कर लेते हैं। मेरी अभी क्लास खत्म हुई थी यहीं पास में, तो सोचा आजकल छुट्टी है तो सोचा एक कॉम्बो खा लिया जाए, और जो नहीं खा पाता मैं वो पैक करवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी थाली आएगी। तो आपको दिखाता हूँ, अभी थाली आने वाली है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अभी। चलिए भाई भाइयों, लंच शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा है, अभी मैंने लिया है चिकन रैप रोल्स, या रोल्स आप कह सकते हैं, जो चिकन रोल होते हैं वो यहाँ पे वियतनाम में डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, अलग टाइप के मिलते हैं। जैसे इंडिया में मिलते हैं चिकन रोल हो गए, स्प्रिंग रोल टाइप के हो गए ना, वैसे नहीं मिलते। ये छोटी सी बच्ची थी जो यहीं, क्या कहते हैं, होटल के जो मालिक थी उसकी लड़की थी, वो भी बार बार देखने आ रही थी। मतलब इनके लिए बहुत अजीब सा होता है जब कोई फॉरनर आता है ना किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि स्किन का कलर अलग है, हमारे बैठने का, उठने का, हमारे चेहरे का जो रंग है वो सब कुछ अलग होता है। तो इनके लिए एकदम, बच्चों के लिए तो एकदम अजीब सा रहता है कि कौन आ गया। तो आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बो बहुत ही खतरनाक कॉम्बो है। 2 से 3% के लिए तो बहुत बढ़िया है। जो बंदे चिकन के दीवाने हैं, जिन्हें एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चिकन चाहिए, अलग अलग टाइप का, अलग अलग टेस्ट चाहिए, उनके लिए ही ये थाली बनी है। जिस तरीके से इंडिया में होती है वेज थाली, नॉन वेज थाली, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एक चिकन थाली है जो मैं स्पेशल रेस्टोरेंट में आया हूँ। ये हाडोंग में है, आप ये देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ये, अब ये जो है चिकन विंग्स हो गए, चिकन थाइज हो गए, चिकन के पंजे हो गए, सिर हो गई, आँख हो गई, गर्दन हो गई, मतलब चिकन का कोई भी भाग। ये बात मैं आपको एक बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ चिकन ऑर्डर करते हैं कोई भी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में, जब आप किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब वहाँ पे आप ऐसे कॉम्बो में ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे फुल चिकन मिलता है, फुल ऊपर से लेके नीचे तक, एक एक बॉडी पार्ट यहाँ पर वियतनाम में मिलता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप खाना चाहते हैं, पंजे हो गए, सिर हो गए, तो आप खा सकते हैं। आप नहीं खाना चाहते तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है, हेल्थी होता है। वियतनामी जो पीपल होते हैं वे सब ये इसी प्रकार से यही खाना खाते हैं।
मैं बहुत कम इंडियन रेस्टोरों में जाता हूँ, मोस्टली जो मैं अधिकतर जाता हूँ वियतनामी रेस्टोरों में जाता हूँ, क्योंकि वियतनामी रेस्टोरों सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। क्योंकि इंडियन रेस्टोरों में आप जाओगे, एक थोड़ी थोड़ी सी दाल, कोई दाल लोगे, पनीर लोगे, दो नान लोगे, वही 500 रुपए के बन जाएंगे, यानी 500 भी अंडे के। लेकिन अगर आप ऐसे वियतनामी रेस्टोरेंट में जाओगे, आप देखो थाली कितनी बड़ी है, और ये सारी की सारी थाली जो है मुझे पड़ी है पूरी थाली 300 VND में लंच, और जिसमें कि आधा से ज़्यादा थाली बच जाएगी मुझे पता, क्योंकि इतना मैं खाता नहीं, ठीक है ना। तो वो मैं अपने साथ घर ले जाऊँगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर आप चिकन के शौकीन हैं, वियतनाम में ज़रूर आएँ, इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ खाना खाने। मैं इसका जो है एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, और आप जो है देख सकते हैं सलाद भी जो है यहाँ पे उबली हुई दी जाती है, उबली हुई जो है। तो यार ये सलाद चिकन का फीट, यानी हमारे जो इंडिया में है वो खाया जाता है चिकन की थाइज होगी, विंग्स हो गए, ब्रेस्ट होगी, पर यहाँ वियतनाम में सब कुछ खाया जाता है। ये देख रहे जो चिकन के पंजे होते हैं ना, जो पंजे के ऊपर होता है वो चीज़ सॉस में डुबाया, एक नंबर। यहाँ का जो चिकन बनाया जाता है ना, पूरा बनाया जाता है सिर से लेके पंजे तक, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जाती। तो ये भाई की थाली है पूरी, जो नहीं खाया जाने का पैक करवा लेंगे। जब हम चिकन कोम्बो खाते हैं ना, तो राइस भी इस तरह का मिलता है, इसे कहते हैं स्टिकी राइस। ऊपर से यहाँ से तला हुआ है और नीचे से नॉर्मल राइस है, और इसे खाया जाता है इसके साथ। ये है मूंगफली का चूड़ा, इसे इसमें डुबोया ऐसे, ठीक है। यह है बॉइल्ड चिकन, मोस्टली जो वियतनामीज फैमिली खाती हैं वो खाती हैं बॉइल्ड चिकन, हम जैसे जो इंडियन हैं वो खाते हैं फ्राइड चिकन। तो यह है पूरा बॉइल्ड, ये आप देख सकते हैं, और इसे भी जो है मूंगफली की उसमें डुबाया, फिर चटनी में डुबाया, बहुत टेस्टी है। वियतनामी खाने की एक खास बात है, यहाँ के लोग बाग जब ये खाना खाते हैं ना, तो वो मोटे नहीं होते इसकी वजह से ही, क्योंकि इनका खाना इतना हेल्दी है। उन्होंने जो मुझे दी सलाद है, यह है बॉइल्ड सलाद, आप देख रहे हैं ना। तो बॉइल्ड सलाद से क्या मोटे होंगे आप, सारा चिकन ग्रेवी वाला तो कुछ होता ही नहीं यहाँ, तो इसलिए वियतनामी चिकन बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। सिर यह होल चिकन का सिर, पंजे, तो ये होता है वियतनामी चिकन। ये है पूरा पंजा, ये आप देख रहे हो चले वो टक टक टक, और ये चोंचो, उसकी चोंच, आँख, तो ऐसा होता है वियतनामी चिकन। वियतनामी चिकन ना वियतनामी लोग पूरा खाते हैं, ये देखो, किसी ने आज तक अगर चिकन का सिर नहीं खाया ना, सिर नहीं देखा, तो आप देख लो, तो ऐसा होता है अंदर से। और ये होते हैं पंजे, सिर को ऐसे डुबाया, फिर ऐसे खा लिया।